चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में कर रहे थे तो रास्ते में रुके श्री रंगम के मंदिर में. वहां एक अनपढ़ ब्राह्मण था जो रोज एक ही स्थान में बैठ के पूरे 18 अध्यायों का उच्चारण करता था. ये ब्राह्मण था अनपढ़, पर उसके गुरु ने आदेश दिया था कि रोज बैठकर गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करो. तो वो नियमित रूप से गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, पर क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण वो ठीक कर रहा था, कईयों का गलत, कई श्लोकों का अर्थ वो समझ जाता था, कईयों का अर्थ नहीं समझ पाता था. और कई लोग उसके पास खड़े होकर उस पर हंसते थे. क्यों हंसते थे? क्योंकि गांव के लोगों को पता था ये ब्राह्मण अनपढ़ है, तो वो कहते थे अरे ये तो दिखावा कर रहा है, श्लोकों का उच्चारण भी ठीक नहीं कर सकता. पर जब भी वो पीछे नहीं हटा, रोज पढ़ते गया. और जब वो गीता के श्लोकों का उच्चारण करता था तो साथ में शुद्ध भक्ति के लक्षण भी प्रकट हो रहे थे, जैसे नेत्रों से आंसू बहना इत्यादि. और चैतन्य महाप्रभु जी रोज उनसे देखते थे इसी स्थान पर गीता का उच्चारण करते हुए, और महाप्रभु जी स्वयं भगवान थे, वो पहचान सके कि ये तो शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है. तो महाप्रभु जी उनके पास गए और पूछने लगे कि गीता में क्या है जो तुम पढ़ते हो और ऐसे लगता है कि आप शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे हो. तो उस ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार गुरु के आदेश का वो पालन कर रहा है, रोज गीता को पढ़ता है, और हालांकि लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, छेड़ते हैं उसे, जब भी वो विचलित नहीं हो रहा. और उसने कहा कि जब मैं गीता के श्लोकों को पढ़ता हूं और जब मैं भगवान श्री कृष्ण के चेहरे का स्मरण करता हूं तो फिर मेरे आंखों से आंसू बहते हैं और इसी शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे गले लगाया और कहा तुम गीता के असली संदेश को समझ गए हो. तो प्रभुपाद जी इस कथा के तात्पर्य में एक संदेश देते हैं हम सबको. प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि ये अनपढ़ ब्राह्मण अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, किस रूप से? रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करता था, जिसका ये परिणाम हुआ कि परम भगवान स्वयं आए उसे दर्शन देने के लिए. क्यों, कैसे आए? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में. चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है. क्योंकि वो रोज ये नियम पालन कर रहा था तो महाप्रभु जी खुद आए. चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में और भगवत गीता की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है. तो चैतन्य महाप्रभु जी खुद आए और इस ब्राह्मण को उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया, गले भी लगाया. गले लगाने के बाद 4 महीने उस ब्राह्मण को अपने साथ रखा, और 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रोज उसे और गहराई के साथ गीता का संदेश समझाया. क्या सौभाग्य है ना. और ये ब्राह्मण की क्या तालीम थी कि रोज नियमित रूप से वो गीता का अध्ययन कर रहा था. महाप्रभु जी ने अपना दिव्य रूप का दर्शन भी दिया उसे और कहा कि किसी को ये भविष्य में नहीं कहना कि तुमने ये दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त किया है.